हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्लास 12th इंग्लिश विस्टस एंड दिस इज चैप्टर नंबर 1st एंड चैप्टर नेम इज द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। प्यारे बच्चों, आपको चैप्टर के नेम और राइटर के नेम को जानना अति आवश्यक है, हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर्स का नाम बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। आज हम इस क्लास में चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कराएंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं होगा, आपने शायद चैप्टर को पढ़ लिया होगा, प्रॉब्लम होती है तुम्हारे बच्चों को आंसर राइट करने में, तो आंसर आज हम इस वीडियो में कराएंगे और इसी तरीके से हम हर चैप्टर का आंसर की वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखिए, थर्ड लेवल की बात हो रही है, मीन्स जो कि कभी था ही नहीं। यहाँ राइटर जो है थर्ड लेवल की बात करता है, तीसरे लेवल की बात करता है, मीन्स प्लेटफॉर्म रेलवे है, फर्स्ट लेयर है, लेवल सेकंड लेवल है, बट थर्ड लेवल की बात करता है कि मैं थर्ड लेवल पे जा चुका हूँ और उसके बाद कभी वो पहुँच नहीं पाता है। ठीक, ऐसा इमेजिन किया गया है। देखिए, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस प्राप्त किया जो दूसरों को उस पर बिलीव कर पाना बड़ा मुश्किल हो? तो वही बात यहाँ आथर भी कहता है, थर्ड लेवल की बात जो कि दूसरे लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते कि तीसरे लेवल का रेलवे प्लेटफॉर्म अंडरग्राउंड में कब था। ठीक, और जिसने भी इस चैप्टर को पढ़ा है, रीड किया है, वो बिल्कुल अच्छे से जान रहे हैं और उन्हीं के लिए हमारा ये वीडियो है। तो इसलिए अगर आपने पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो चैप्टर को पढ़ लेंगे, फिर आके आप इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम कराने चल रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, इसमें चार्ली नाम का एक व्यक्ति है और नरेटर हैं। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चंस हैं इसका आंसर हम सब अब करने चल रहे हैं। ठीक, 7th क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आंसर की तरफ, और आंसर के माध्यम से ही आपको स्टोरी का भी पता चल जाएगा कि स्टोरी में क्या क्या मामला है, कौन सी स्टोरी, किस टाइप की स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर नंबर 1st, द थर्ड लेवल, द ऐड करना है द थर्ड लेवल, रीड चैप्टर पेज नंबर 7 से है, रीड एंड फाइंड आउट। चलिए, आपको रीड नहीं करना है, आंसर क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल, यहाँ थर्ड लेवल से क्या मतलब है। ठीक, आंसर द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक सबवे मतलब उपरास्ता जिसे कहते हैं, एक उसका शॉर्टकट है, दूसरा उसी से रिलेटेड कोई दूसरे लेवल की बात हो रही है। द टेक्स पैसेंजर टू गेल्सबर्ग, जो पैसेंजर को गेल्सबर्ग लेकर जाता है इलिनोइस। इलिनोइस कहाँ पर है? गेल्सबर्ग इलिनोइस में पड़ता है। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, जो थर्ड लेवल है चार्ली के भागने का एक माध्यम है, जहाँ पे उस थर्ड लेवल पर चार्ली पहुँचता है और बच जाता है। द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ द मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ से नरेटर थर्ड लेवल से ज़्यादा रियलिटी नहीं समझ में आता उसको। इट प्रोवाइड हिम अ बेस वेयर ही कुड इंटरव्यू फैंटेसी एंड रियलिटी। फैंटेसी कल्पना, रियलिटी वास्तविकता और कल्पना के बीच की एक इंटरव्यू मतलब ताना बुना गया है, एक जाल सा दिखाया गया है जो कि वास्तविकता और कल्पना के बीच घूमती रहती कहानी। तो आंसर को नोट कर लेंगे, चलिए देखिए आंसर को नोट कर लेंगे।
चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वुड चार्ली एवर गो बैक टू टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिम सेल्फ एंड हिज वाइफ। तो चार्ली पहली बार बात करता है, उसने थर्ड लेवल पर गया है ना, थर्ड लेवल पहुंच चुका था, लेकिन फिर दोबारा अगर जाता है तो कभी थर्ड लेवल पाता ही नहीं। तो वही क्वेश्चन है कि क्या कभी चार्ली दोबारा थर्ड लेवल पर गया, टिकट काउंटर थर्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पर टिकट काउंटर के पास पहुंचा और टिकट खरीदा गेल्सबर्ग के लिए अपने वाइफ के साथ। ठीक, समझ गए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, नो चार्ली वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट, क्योंकि वो फर्स्ट पहली बार जब जाता है तो वहाँ से उसको टिकट नहीं मिलता है थर्ड लेवल पर। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो आज के ज़मानों के पैसे लिया हुआ था, जो कि थर्ड लेवल जो प्लेटफॉर्म था उस वहाँ पर बहुत पुराना पैसा चलता था, तो ओल्ड मॉडल क्वाइन चलता था, तो इसलिए उसको टिकट नहीं मिल पाया। वो बोला कि मैं एक्सचेंज करके लाता हूँ, और जब एक्सचेंज करके जाता है तो उसका अब थर्ड लेवल का रास्ता उसको नहीं मिलता है, इसीलिए कहा गया कभी वो पहुँचा, उसके बाद वो कभी नहीं पहुँचा। नो चार्ली वुड नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ बिकॉज थर्ड लेवल वॉज हिज इमेजिनेशन, क्योंकि थर्ड लेवल जैसा कोई कुछ था ही नहीं बल्कि उसकी कल्पना थी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए, थर्ड लेवल कुछ था नहीं, एक कल्पना मात्र थी उसकी। यह क्वेश्चन सेकंड का आंसर हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन के आंसर पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, सारे क्लासमेट में शेयर करें ताकि सबको हेल्प मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 7 क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? भाई क्या आप सोचते हैं कि चार्ली के लिए थर्ड लेवल जो है भागने का एक माध्यम था, बच निकलने का एक माध्यम था? अगर सोचते हैं तो ऐसा क्यों? यस, आई थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। तो यहाँ पर आंसर है कि मेरे अकॉर्डिंग थर्ड लेवल चार्ली के बच निकलने का एक माध्यम था। लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि मॉडर्न जीवन में लाइफ जो है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर से भरा हुआ, वार से, वरीज, स्ट्रेस, तनाव से भरा पड़ा है। मैन हैज़ टू कन्फर्म देम ऑल द टाइम्स, द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ मेक देम लिविंग अनप्लेजेंट एंड इवन अनब्रेकेबल। जो जीवन की सच्चाई है वो अनप्लेजेंट एंड अनबियरेबल है, मतलब असहनीय है, दुखद है। चार्ली की बात हो रही, सो ही वांट टू एस्केप इनटू द विशफुल वर्ल्ड, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार दुनिया में जाना चाहता था, कि उसकी इच्छा जिस तरीके को वर्ल्ड में जाने की है उस तरीके का कल्पना किया। चार्ली टॉक टू हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और चार्ली ने अपने दोस्त साइकियाट्रिस्ट से थर्ड लेवल के बारे में बात भी किया था। हिज फ्रेंड कॉल्स इट वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, उसका मित्र उसको क्या करके पुकारता है, वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, घूमता हुआ, सपनों को पूरा करने के लिए घूमता हुआ व्यक्ति। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर है, चार्ली पजेस एन एस्केपिस्ट टेंडेंसी, इवन हिज स्वयं स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। स्टैम्प कलेक्टर का भी शौक था, मतलब टिकट कलेक्शन करने का भी शौक रखता था वो। चलिए आंसर नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, वो थोड़ा स्पीड में आंसर कराएंगे। वट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सैम का चार्ली के लिए लेटर से आप किस तरीके से देखते हैं? द वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर वॉज सराउंडेड इन अ मिस्ट्री, जिस तरीके से चार्ली का लेटर सैम तक आया वो एक मिस्ट्री था। एमंग हिम ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स ही फाउंड एन एनवेलप कंटेनिंग अ लेटर बोर एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, उस पर ग्रैंडफादर के का एड्रेस प्रिंट था उस एनवेलप पे। इट वॉज रिटन ऑन द जुलाई 1894, जिस पर 18 जुलाई 1894 लिखा हुआ था। पोस्टमार्क शो द पिक्चर्स ऑफ प्रेसिडेंट गेलफील्ड, जनरली द फर्स्ट डे कवर हैव
blank papers in them, but his one contained a letter. The letter was addressed to Charlie. Letter जो Charlie के address पे था. The letter Sam had informed, जिसमें Sam को inform किया गया, सूचित किया गया था. तो चलिए, आई होप आप समझ गए हैं. ये सब भी ए भी टाइट कर लेंगे. मैं आगे बढ़ता हूँ. मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी, स्ट्रेस. व्हाट आर द वे इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम. कहा जा रहा है कि जो आधुनिक संसार है, असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और स्ट्रेस, मीन्स दबाव, प्रेशर से भरपूर है. व्हाट आर द वे इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम. कौन सा तरीका है जिससे हम इन सब से बच के निकल सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, कि ओवरकम मीन्स इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. तो इसका आंसर हमने टाइप किया है दोस्तों. इसको यहाँ से आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके. ठीक, मैं रीड करूँगा तो टाइम लगता है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है आंसर को, और ध्यानपूर्वक एकदम साइलेंटली आप इसको पढ़ लेंगे. और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी. क्या आप टाइम और स्पेस के बीच इंटरसेक्शन को देखते हैं इस स्टोरी में. इंटरसेक्शन का मतलब होता है जुड़ाव. जब एक चौराहा होता है, वहाँ पे सारे रोड आके मिलते हैं एक स्टॉप, तो आपके अकॉर्डिंग सम टाइम एंड स्पेस का यहाँ पर मिलन होता है, फिर जहाँ से दोनों अलग अलग रास्ते पर निकलते हैं. कहने का मतलब यहाँ से अलगाव, मिलने के बाद अलगाव दिखाया गया है. इंटरसेक्शन समय और स्पेस का, स्थान और समय का एकदम अलगाववाद दिखाया गया है. यस, देयर इज अ सर्टेन इंस्टेंट इन द स्टोरी दैट शो एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस. फर्स्टली, द फर्स्ट टू लेवल्स ऑफ ग्रैंड स्टेशन वे आर लोकेटेड इन द प्रेजेंट टाइम. पहली बार तो दिखता है कि दोनों दो स्टेशन हैं यहाँ पर. फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल था. द लेवल एग्जिस्टेड 1890 में जो कि था. सेकेंड, चार्ली एंड हिज वाइफ लूसिया लिव्स इन द प्रेजेंट टाइम. देखिए, आपको ये भी याद रखना है, चार्ली की वाइफ का क्या नाम था, लूसिया था. चार्ली की वाइफ लूसिया थी. ठीक, दोनों रहा करते थे. कहाँ पर लड़ रहते थे, 1894 गेल्सबर्ग में. गेल्सबर्ग में जाने के लिए जाना चाहते थे. बाकी आपको देखिए और भी है, पूरा आंसर यहाँ तक है, इसको नोट कर लेंगे. ठीक, इसको नोट कर लेंगे और अगला क्वेश्चन मैं रीड करने चल रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5. अपरेंट इलॉजिकली समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी अ फ्यूरिस्टिक प्रोजेक्शन. डिस्कस अपरेंट इलॉजिकली. यस, देखिए, अपरेंट इलॉजिकली समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी द फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन. अपरेंट का मतलब स्पष्ट रूप से, इलॉजिकल तरीके से, मीन्स असंगत तरीके से कभी कभी फ्यूचर के प्रोजेक्ट दिखता है. भविष्य का जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, प्लान होता है, कभी कभी लगता है कि वो तर्कसंगत नहीं है, इलॉजिकल है. तो इस पर डिस्कस करना है. आंसर, इट इज़ ट्रू दैट अपरेंट इलॉजिकलिटी समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी द फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन. बिफोर द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन, नोबडी वुड हैव डेयर्ड बिलीव दैट मैन कुड फ्लाई. देखिए, कहा गया फ्यूचर की प्लानिंग कभी कभी समझ में नहीं आती, अतर्कसंगत लगता है, असंगत लगता है. लेकिन जिस तरीके से राइट ब्रदर ने पहली बार जब एरोप्लेन बनाने के लिए सोचा, तो लोग कहते थे, उन पर विश्वास नहीं था कि कोई उड़ भी सकता है, आदमी उड़ भी सकता है. बिफोर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, और जब तक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया था, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस में बात भी हो सकती है. टॉक हैपनिंग इन द रियल लाइफ, लेकिन ऐसा हुआ. मोर ओवर, देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेंशन लाइक दैट. द इन्वेंटिंग अ मॉडर्न डे सेविंग मशीन्स विद अ नीडल दैट हैज होल ऑन इट्स रॉन्ग एंड विच वर्स कंसीव द ड्रीम बट नाउ आर पार्ट ऑफ आवर एवरीडे रियलिटी. इसी तरीके से सिलाई मशीन भी होता है कि बार बार
सिलाई कर देता है, जो कि एक कल्पना से परे था। जब तक नहीं था तो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे एक बार बार होल बनाकर कोई चीज़ कैसे मशीन काम कर सकती है। ठीक, ऑल दिस एम्फेसिस फैंटेसी ऑफ वन पॉइंट्स ऑफ टाइम दैट सीम्स इलॉजिकल, सारी चीज़ें एक समय इलॉजिकल लगती थी लेकिन बाद में ऐसा हुआ भी, आज दुनिया बहुत आगे है। तो उसी तरीके से थर्ड लेवल भी हो सकता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिक्स, फिलेटली हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव। फिलेटली, फिलेटिंग मतलब टिकट कलेक्टर, जो टिकट कलेक्ट करते हैं उसे फिलेटलिस्ट कहते हैं। तो पास्ट की अलाइव के बारे में जानने के लिए, टिकट जो कलेक्ट करने का उसका शौक था चार्ली का, इससे वो बात समझ में आई। डिस्कस अदर वे इन विच दिस इज डन। What do you think of the human tendency to constantly move between the past and present and future? तो टिकट कलेक्ट करने की हैबिट से उसकी पास्ट का पता चलता है। और क्या कहा गया है, डिस्कस अदर वे इन विच दिस इज डन, और किस तरीके से आगे बढ़ती है कहानी डिस्कस करिए। What do you think of the human tendency to constantly move between the past, present and future? आप क्या सोचते हैं, आपके अनुसार जीवन किस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में चलती रहती है किस तरीके से। बिसाइड फिलेटली देयर आर न्यूमरस अदर्स वेज टू कीप हेल्प पास्ट अलाइव, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट की चीज़ों को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त होती हैं, सहायक होती हैं। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट ना, ऐतिहासिक फैक्ट को कलेक्ट करके, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शन इन द म्यूजियम, कलेक्टिंग रीडिंग बुक्स इत्यादि, ढेर सारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो कलेक्ट करके रखकर अपनी पास्ट की बातों को, अतीत को यादगार बना सकते हैं। आ गया है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का एक मिश्रण हम यादगार के रूप में रख सकते हैं, मिक्सअप करके, कि हमारा पास्ट कैसा था, प्रेजेंट है तो फ्यूचर भी किस टाइप का हो सकता है या होगा। तो इस पर हम सब बिल्कुल इमेजिन करके फ्यूचर की चीज़ों के बारे में भी कल्पना कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और आगे क्वेश्चन लास्ट है, यू हैव रीड एडवेंचर्स बाय जयंत नार्लिकर इन द हॉर्नबिल क्लास 11th। 11th में एडवेंचर्स नामक एक चैप्टर है, उसमें आपने जयंत नार्लिकर का लिखा गया है, इसको भी आपने पढ़ा होगा अगर सिलेबस में है। कंपेयर द इंटरव्यू ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी इन द टू स्टोरी, दोनों स्टोरी को कंपेयर करना है, फैंटेसी एंड रियलिटी मीन्स कल्पना और वास्तविकता की दो कहानियां मिलती हैं, इनको आपको कंपेयर करके लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमने इसका आंसर लिखा है, आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे, समझ में आएगा। तो दोनों जो है फैंटेसी एंड रियलिटी के बीच की कहानियाँ को बयां करती हैं। ठीक, यह है कहानी एडवेंचर्स जयंत नार्लिकर का द्वारा लिखा गया है। तो आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा, तो सारे क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से नोट कर लेंगे और अपने दोस्तों को, क्लासमेट को भी शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, अपने नोट्स को तैयार कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।